गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सांसर। स्वागत करता हूं आप सभी का फेसबुक यूट्यूब लाइव कंप्यूटर क्लासेस से। तो दोस्तों, आज मैं काफी दिनों बाद फिर से यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव क्लास लेकर आया हूं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुना दूं कि आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआ से मेरी प्रथम बेटी हुई है, जिनका नाम अलीशा जमाल उर्फ कुकू है। मैं आप सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि मेरे बेटी के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें और आशीर्वाद दें कि मेरी बेटी का हेल्थ और वेल्थ अच्छा रहे। तो दोस्तों, मैं इसी खुशखबरी के साथ आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो देने वाला हूँ, जो कि क्लास होगी आज इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर टेबल और टेबल के अंदर पेज लेआउट की। क्योंकि जब हम किसी भी फॉर्मेट को क्रिएट करते हैं या किसी भी फील्ड को बनाते हैं, तो उस समय हमें पेज लेआउट की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें पेज लेआउट की जानकारी उचित रूप से होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, डेस्कटॉप के ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने वर्ड को ओपन कर लिया हूं। वर्ड को ओपन करने के बाद, जैसे ही आप वर्ड को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप इंसर्ट ऑप्शंस में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शंस में जाने के बाद यहां से आप टेबल क्रिएट करते हैं। आप मान लीजिए कि हम 5x5 का अगर हम टेबल लेते हैं, और जैसे ही टेबल को आप क्लिक करते होंगे तो आपकी एक ऑप्शंस खुल जाती है डिजाइन। डिजाइन के अंदर जो होगी, डिजाइन के जस्ट बगल में लेआउट होगी, आप लेआउट पे आप क्लिक कीजिए। देखिए, लेआउट का जो ऑप्शंस होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेआउट क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, लेआउट में क्या इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने टेबल लिया और टेबल 5x5 का लिया, अब हमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं, टेबल का 5x6 होना चाहिए। तो 6 जो होगी तो वो क्या होगी, टेबल में सबसे ज्यादा चीज आप जान लीजिए कि इस एरिया को लेफ्ट टू राइट जो एरिया होती है उस एरिया को हम लोग कॉलम्स कहते हैं, और अप एंड डाउन जो होती है उस एरिया को हम लोग रो कहते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें 5 कॉलम्स और रोज 6 की जरूरत है, और मैं यहाँ पर बना लिया हूँ 5x5 का, अगर मुझे अगर फिर से रो बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे। तो आपको रो बढ़ाने के लिए सबसे पहले कि आप जहां बढ़ाना चाहते हैं उस रो पे आप क्या कीजिए, इंसर्ट एबव। एबव का मतलब अगर आप ऊपर में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एबव कीजिए, ऊपर हो जाएगी। अगर आप बिलो में लेना चाहते हैं तो बिलो में क्लिक करेंगे तो आपकी नीचे आ जाएगी रो। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स लेना चाहते हैं तो लेफ्ट में कॉलम्स ले सकते हैं, आप राइट लेना चाहते हैं तो राइट में कॉलम्स ले सकते हैं। अब ये कॉलम्स या रो को आप डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम्स को हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप रो को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं। ये जो है लेआउट के अंदर सारी चीज होती है। अब मान लीजिए कि ये हम ऊपर वाले को क्या करना है, एक ही कॉलम्स बनाना है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको मार्च की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग क्या करते हैं, मार्च, तो देखिए आप ऊपर वाले कॉलम्स क्या हो गया, एक ही कॉलम्स हो गया। अगर हम मान लीजिए 2 कॉलम्स को मार्च करना चाहते हैं तो 2 कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद मार्च कर सकते हैं। अगर मैं बीच में अगर मार्च करना चाहता हूं तो बीच में आप सेलेक्ट करके मार्च कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर ये टेबल को तोड़ना चाहते हैं तो स्प्लिट टेबल्स, टेबल्स में सॉरी मार्च किए हुए हैं इसमें, अगर आप टेबल्स बनाना चाहते हैं तो स्प्लिट टेबल्स 2x2 का आप टेबल्स बना रहे हैं तो आप टेबल्स बना सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर ये टेबल्स जो बनी हुई है, इस टेबल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो आप इस बनी हुई टेबल्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज हमारी लेआउट के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, लेआउट के अंदर। देखिए, आज मैंने बताया डिलीट करना, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, मार्च सेल्स, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल्स। अगर इसी तरह की वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं तो सांसर कंप्यूटर क्लासेस जो यूट्यूब में मेरी चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं फेसबुक या यूट्यूब कंप्यूटर क्लासेस के माध्यम से। मैं आपके बीच लगातार आ रहा हूं और डेली यानी कि बेसिस पे क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा फिर से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। खुश रहे आप, आपका परिवार,
हम याद रखिएगा आपका सांसद, जय हिंद जय भारत। और आप सभी दोस्तों से मैं फिर से दिल निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी जो अलिशा जमाल कुकू है उसके लिए दुआ प्रार्थना जरूर करें कि उनका सेहत और हेल्थ अच्छा रहे। इसके साथ ही मैं वीडियो को अंत कर रहा हूँ। धन्यवाद।